प्रतिनिधि सामने आपण या ठिकाणी पाहतोय मित्रांनो मित्रांनो होऊ द्या धिंगाणा तुम्ही कार्यक्रम पाहताय आणि निश्चितच त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सिद्धार्थ जाधव यांना अँकरिंग करताना पाहिलं त्यावेळेला प्रशांत दामले सरांचा त्या ठिकाणी सन्मान झाला होता सामना चालू करतोय नंतर तुमच्या भेटीसाठी पुन्हा एकदा घेऊन येतोय तर पाहूया पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज सर कुणाल पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहिला धन्यवाद आए हुए सब तमाम मेहमान और उसी के साथ क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं खैर मकदम करता हूं वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे कुणाल के हाथों में गेंद और स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज है आकाश गोंधली थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बैकफुट पर जाकर जगह बनाई बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे कट किया था गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर देखते देखते पार हो गई है और चार रन यहां में मिलेंगे बहुत ही अच्छा शॉट बहुत ही खूबसूरत ये चौका इसकी सख्त जरूरत थी हम देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता का जो पहले नंबर का प्राइस है वो तब तकरीबन 1,00,000 रुपये नकद इनामी राशि और उसी के साथ 17 किलो की एक बहुत ही खूबसूरत शानदार ये ट्रॉफी और उसको जीतने के लिए ये अंतिम मैच लगातार 4 दिन यहाँ पे मेहनत की है सभी खिलाड़ियों ने एनएससी खानाओ एक बड़े टूर्नामेंट में पहली मर्तबा शायद यहाँ पे फाइनल में पहुंच चुकी है नोबॉल करार दिया है अंपायर जी ने अंपायर जी की तरफ से यहां पे नोबॉल करार दिया है अगर नो बॉल है तो यहाँ पे फ्री हिट भी होगा और एक रन भी यहाँ पे जुड़ेगा इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन सिद्धांत और गुड्डिया ये दो बल्लेबाज हम देख सकते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में एक चौके के साथ गुड्डिया खेल रहे हैं 4 रन बनाकर जबकि सिद्धांत खेल रहे हैं 1 रन बनाकर जी हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना इस मर्तबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे बहुत ही शानदार गेंदबाजी कुणाल की हालांकि एक चौका जरूर आया तकदीर का चौका मैं कहूंगा जी हां इस मर्तबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया विकेट कीपर योगेश पवार उस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच और इसी के साथ एनएससी खानाओ का ये पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ पहला झटका गुड्डिया मैदान से बाहर आएंगे गुड्डिया की जगह नए बल्लेबाज मैदान में चले जाएंगे तब तक मैं जरूर बताना चाहूंगा रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन 2 ओवर का ये मुकाबला है निलेश 2 ओवर में कम से कम 25 रन अगर जोड़ते हैं तो एक मजेदार और काटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है नक्की सर तत्पूर्वी मी सांगू इच्छितो या ठिकाणी आदरणीय सरपंच सुधीर धर्माचेरकर यांच्याकडून एक गोड आवाज नेहमीच आपण ऐकत असतो असे यासीन सर यांच्यासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे धन्यवाद 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 सुधीर चेरकर साहेब आपले मनपूर्वक आभार नेहमीच आम्हाला आपण ऍप्रिशिएट करत असता कारण चिंचोटीच्या मैदानावरती या वलवलीच्या मैदानावरती त्याचप्रमाणे खानावच्या मैदानावरती अनेक वेळा आणि आपण असं पारितोषिक देऊन आम्हाला आमचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं जे काम करताय त्याबद्दल मनपूर्वक आभार जी हाँ इस मर्तबा यॉर्क करने का प्रयास किया था काफी हद तक सफल भी रहे थे कारपेट के सहारे उस गेंद को ढकेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में विजय घानेकर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया ओवर की समाप्ति हो चुकी है 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर यहां पे रहेगा
निलेश पहले ओवर में 9 रन आए हैं, बहुत ही सटीक निशाने के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की। कुणाल की तारीफ तो बनती है, हालांकि नो बॉल करार दिया, वो थोड़ा सा विवाद जरूर था। हम मैच खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, मगर फिर भी कमाल की गेंदबाजी, क्योंकि ये शानदार बल्लेबाज है, इन्होंने हर गेंदबाज के छक्के छुड़ाए हैं और उनको पहले ओवर में रोक के रखा है। हेलो नक्कीच सर, आपण पाहिलं पहिलं षटक होतं कुणालचं, अप्रतिम षटक हाताळलं बेलोशी संघाकडे कुणालने, आणि जर आपण विचार केला तर एनएससी खानाव संघाकडून थोडीशी धावांना रोक लागलेली आपण पाहिलं। एनएससी खानाव संघाचा जर विचार केला तर या दोन षटकामध्ये 25 ते 30 धावा येणं गरजेचं असताना आपण पाहतोय की पहिल्या षटकामध्ये फक्त धावा आलेल्या आहेत, नहू षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी आलेला आहे गोलंदाज, 18 नंबरची जर्सी परिधान केलेला कुणाल। जी हाँ, कुणाल 18 नंबर, और कुणाल जो भी उनका नंबर है ऐसे ही हमारी यहाँ पे पहचान हो गई है। मगर देखिए, इन्होंने ना इस विकेट को पहचाना है, इस विकेट के ऊपर गेंद को घुमाना बहुत ही जरूरी, और गेंद में विकेट में घुमाव है, उस विकेट का पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे पेस नहीं दे रहे। वो जानते हैं विकेट पर टप्पा खाने के बाद गेंद स्लो आ रही है और तकरीबन 1 से 1.5 पर घूम रही है, और यही चाणाक्ष बुद्धि और यही मानसिकता के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिल रही है। तर पाहूया या चेंडूवर काय घडणार, पुन्हा एकदा आपण पाहतो स्लोअर वन, परंतु बोटांची असलेली जादू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली। अप्रतिम गोलंदाजी कुणाल साकारतोय मैदानात सर, खरोखर अतिशय सुंदर गोलंदाजी, परंतु रसिक प्रेक्षकांना फायनल सामना ज्या पद्धतीने हवाय, संघ कोणताही जिंकू द्या, दोन्ही संघ आपल्या विभागातले आहेत, परंतु रसिक प्रेक्षकांची खूप इच्छा आहे की एक फायटिंग कोर्स स्कोर बनणं गरजेचं आहे, सर काय म्हणाल त्याविषयी? देखिए, इन्होंने अभ्यास किया है, क्योंकि मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैं सुन रहा था सिर्फ, और मेरे एक दोस्त से बातचीत कर रहा था, उन्होंने आपस में बातचीत की है कि उन्होंने उनको देखा है, परखा है, उनका अभ्यास किया है कि इस बल्लेबाज के सामने किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि फास्टर वन गेंदबाजों के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं, मगर स्पिनिंग गेंदबाजी के ऊपर ये हमेशा थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, और इसी वजह से यहाँ पे देखिए मिश्रण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कभी फास्टर वन, कभी स्लोअर वन, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, कभी यॉर्कर, और इसी वजह से यहाँ पे बल्लेबाज थोड़े से निष्प्रभ, और ये दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश हो, ये 3 रन, जी हाँ, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली। वो जानते हैं कि अंतिम कुछ गेंद है, जो हो वो देखा जाएगा, मगर यहाँ पे रन लेना बहुत ही जरूरी है, हिरनों की तरह दौड़ लगा रहे हैं। 13 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं निलेश, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, या दोघांमध्ये चांगला तालमेल पाहायला मिळाला आणि 3 धावा मिळतात, 3 धावांच्या मदतीने धाव संख्या जाऊन पोहोचते 13 वरती, पुन्हा एकदा स्विंग पाहायला मिळाला, बोटांची जी जादू आहे ती पाहायला मिळाली, अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर थोडासा काटा बदलतोय, जबरदस्त गोलंदाजी कुणालच्या माध्यमातून पाहतोय, रसिक प्रेक्षकांना जो सामना अपेक्षित होता ज्या पद्धतीने रसिक प्रेक्षक थांबलेत, खरोखर मी आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतोय, कारण फायनलच्या सामन्यात 25 धावांची तरी अपेक्षा निश्चित रसिक प्रेक्षक करतायत। तर पाहूया काय घडणार, पुढे येणारा जो फलंदाज आहे तो आहे बाबू, बाबू बाबू बाबू, अरे बाबू, हालांकि उनका नाम अमित है, बाबू नाम से पहचाने जाते हैं, 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, कुछ गेंदें बची है इस ओवर की, मात्र 1 गेंद बची है, मगर गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को जिस तरीके से परख लिया है और जिस तरीके से अभ्यास किया है, उसी के तहत यहाँ पे जो गेंदबाजी की है उसका उनको श्रेय भी चला जाता है और कामयाबी उनको मिली है। देखिए, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज बाबू, जी हाँ, आड़े बल्ले से खेला है बाबू ने, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया, वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और 1 रन तो मिला, दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं और 3रा रन लेना चाहते थे, मगर 3रे रन की यहाँ पे नाकाम कोशिश, 2 रन तो यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं, देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर में 9 रन आए थे और इस ओवर में छह रन आए हैं इस ओवर में, बहुत ही शानदार ये कुणाल का ओवर रहा, हालांकि अंतिम ओवर था, मगर फिर भी अपनी फिरकी के जाल में सभी बल्लेबाजों को चकमा दिया और रनों से महरूम किया, 1-1 रन के लिए तरसना पड़ रहा था यहां पे, बड़ा स्ट्रोक बहुत दूर था। जी हाँ, पहले ओवर में 9, दूसरे ओवर में 6, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 15, अब जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत, 8 रन के औसत से यहाँ पे निलेश रन बनाने हैं,
और 8 रन। देखिए अंधेरे का साम्राज्य यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ से गेंद को साइड करना और बड़े शॉट लगाना, क्योंकि वातावरण में नमी भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये आसान नहीं होगा। जिस तरीके से जो तकलीफ एनएससी खानाओं के बल्लेबाजों को हुई, उसी तकलीफ को यहाँ पे फेस करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नक्की सर, कारण आपण जर पाहिलं तर जादूमय गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली, ज्या पद्धतीने कुलस्वामींनी बेलोशी संघाकडून अप्रतिम गोलंदाजी या मैदानात आपण पाहिली, त्याच पद्धतीने काहीसा आकाश गोंधळी सुद्धा अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। परंतु काय घडणार, कोण जिंकणार, प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी बेलोशी मध्ये जाणार की खानाव मध्ये जाणार, हे मात्र थोडस हा सस्पेन्स मात्र पहिल्या षटकानंतर आपल्या लक्षात येईल। सर देखिए, आकाश को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है अपने आप को दिखाने की, अपने आप को सिद्ध करने की। हालांकि कहा जाता है कि पहले यहाँ पे मेहनत करो और अपने आप को यहाँ पे सिद्ध करो और उसके बाद प्रसिद्ध आप खुद ब खुद हो जाओगे। और यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा मैच, फाइनल का मुकाबला, इतनी बड़ी प्रतियोगिता, सभी को खेलने के हालात नहीं मिलती, या किसी के तकदीर में नहीं होता। अब यहाँ पे एनएससी खानाओं बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता में फाइनल में पहुँच चुकी है और यहाँ से अपनी कलात्मक गेंदबाजी का अगर प्रदर्शन करेंगे तो ये मैच जीत सकते हैं। नक्की सर, आपण पाहूया पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतो आकाश गोंधळी, पहिल्या चेंडूला आसमान दाखवले, पाहूया काय घडणार, काय घडलं, षटकार, जबरदस्त बिग हिट आपण पाहतोय। दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय छोटम शेठ उपस्थित झालेले आहेत आणि शिवप्रेमी क्रिकेट संघ आयोजित या स्पर्धेसाठी सन्माननीय छोटम शेठ यांच्या माध्यमातून या मंडळासाठी रोख रक्कम 50,000 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी आलेलं, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने आपण या ठिकाणी पाहतोय आदरणीय छोटम शेठ यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 50 रुपये या मंडळासाठी आले, धन्यवाद सर, पकडा। और फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का योगेश पवार के बल्ले से आता हुआ। योगेश पवार ने आओ देखा ना ताओ और मन में सोच लिया था, उसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे और जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी बैकफुट पर गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को हुक किया था और 6 रन बटोरे। इन 2 छक्कों की बदौलत रनों की संख्या 12 रन, अब जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत। 10 गेंदें बची है, फुल टॉस गेंद और इसमें दबा खंबा उखाड़ दिया, तकरीबन फुल टॉस थी मगर थोड़ा सा स्लोअर वन थी, अपने धीमेपन की वजह से, पेस को निकालने की वजह से बल्लेबाज योगेश ने यहां पे परखने में गलती की और इसी के साथ ये पहला छटका लगता हुआ। हेलो, ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं आदरणीय छोटम शेठ यांच्या माध्यमातून या मंडळासाठी रोख रक्कम 50,000, त्याचप्रमाणे आदरणीय सरपंच सुधीर धर्माचेरकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा या मंडळासाठी रोख रक्कम 25,000 रुपये आले, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी, धन्यवाद। पुन्हा एकदा सरांकडे घेऊन जातोय तुम्हाला। 3 गेंदे हो चुकी है, जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे कवर की दिशा में मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, पहली मर्तबा यहाँ पे बिंदी गेंद। इसी तरह की बिंदी गेंदें अगर आती है तो फिर से एक बार इस मैच में रंग भर सकता है। पहले 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आने के बाद थोड़ा सा निराश यहाँ पे जरूर खेमा दिखाई दे रहा है एनएससी खानाओं का। जी हाँ, विजय घानेकर को फिर से एक बार चकमा दिया, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद घूम रही है और शायद गेंदबाज गुड्डिया ने समझ लिया है कि यहाँ पे धीमी रफ्तार की गेंदबाजी अगर करेंगे तो गेंद को घुमाव मिल रहा है और लगातार दोनों गेंदें देखिए स्लोअर वन थी और लेग स्पिन थी और इसी वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। जी हाँ, इसमें तब उल्टे हाथ से खेला और ये कामयाबी भरा हुआ स्ट्रोक, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और ये मैच जीता है कुलस्वामिनी बेलोशी टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक जिंकलेल्या संघाचं नक्कीच अभिनंदन असेल आणि हरलेल्या संघाचं अर्थात एनएससी संघाचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन, कारण एक ग्रामीण लॉट्स मधून विलेज टू विलेज या लॉट्स मधून या फॉर्मॅट मधून त्यांनी इथपर्यंत मजल मारली, अनेक मातब्बर संघांना, मोठ्या मोठ्या खेळाडूंना इथे त्यांनी पराजित केलं, पराजयाची धूळ चारली आणि आपण पाहतोय अंतिम सामन्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली, अंतिम सामन्या